गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो का बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी तक हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। एक आधे लेक्चर में हम मई फिनिश करेंगे, देन हम जून स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम से पहले जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 15 जुलाई हमारा कट ऑफ है। उसके लिए चाहे हमको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, चाहे हमको डेली क्लास लेनी पड़े, हम ये करंट अफेयर्स आप लोगों के फिनिश कराएंगे टिल 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई तक जो भी आपके करंट अफेयर्स हुए होंगे वो आपके एग्जाम से पहले आप लोगों को करा दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते। आप लोग चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरे बारे में आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम है पवन कंबोज। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री से। मैं इन्वायरमेंट, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर की क्लासेस लेता हूँ। आप लोगों को मेरा नंबर पता ही होगा, जो नए स्टूडेंट है वो ये मेरा नंबर लिख ले। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप इस नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9911675330। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों के लिए सरप्राइज है, छोटा सा सरप्राइज है। ये सरप्राइज नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी विद इन 3-4 दिन हुए हैं, आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच ज्वाइन करने के लिए आपको ये नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, 9863184505। इसमें आपको जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथमेटिक पूरा कंबाइन कोर्स है ये, और CHSL APSSB। तो प्लीज़ इस पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है कुछ सवाल जो मैं G20 से रिलेटेड लेके आया हूँ। आप लोगों ने बताना है जल्दी से, सब लोगों ने, कि G20 से रिलेटेड कुछ सवाल है, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में है, इसके चांसेस है आने के। तो मैं 3-4 सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। पहला सवाल है, G20 कब इस्टेब्लिश हुआ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, G20 समिट आप लोगों ने सुना ही है। तो G20 फाउंड हुआ कब? 1999 में। इसका मेन एम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना। सो ये याद रखिएगा, 1999 में ये G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, ये बनाया गया, जो कि दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी में डील करते हैं। लगभग 85% की इकोनॉमी दुनिया की जो होती है, जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें ये डील करता है ये ग्रुप, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। रिंजिन जी, स्टार्ट हो चुका है बैच, मैंने अभी आपको जो नंबर शेयर किया। सो आंसर इज बी, ये जो ग्रुप है ये लगभग 85% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट यहां से अकाउंट होते, लगभग 80% सॉरी लगभग आपका 66.66% के आसपास दुनिया का ट्रेड G20 ग्रुप्स करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बना कब था? 1999। क्लियर है? क्या टर्म्स याद रखने हैं कि 2/3 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड G20 ग्रुप्स करते हैं, और उसके अलावा 85% कितना, उसके अलावा 85% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट यहां से है। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ सवाल मैंने रखे हुए हैं, ये भले ही नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर का हिस्सा नहीं है, पर एग्जाम के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। 2-4 सवाल है, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ये जो G20 समिट है ये कहां हेल्ड होगा 2023 में?
कौन से देश में हेल्ड होने वाला है ये? तो हमारा प्यारा देश भारत, दैट इज इंडिया, 2023 इंडिया में होगा इस समिट। थोड़ा सा आप लोगों को एक रफ आइडिया होना चाहिए कब से कब होगा, तो याद रखिएगा सितंबर 9 और 10 को इंडिया में होगा, दिल्ली में प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है, दिल्ली में सितंबर 9 से लेके सितंबर 10 तक। अब इससे आप लोगों को एक दो सवाल और पता होने चाहिए, जो बेसिक सवाल पता होने चाहिए आपको। पहले एक और क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे एक दो सवाल और बता दूंगा। ये मैं किस लिए करा रहा हूं, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो G20 समिट हो रहा है उसकी थीम क्या है? आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सो दिस इज द थीम। अब दो तीन सवाल मैं आप लोगों से एड ऑन पूछना चाहूंगा, आप लोग चैट सेक्शन में आंसर बताइएगा। जो ये इंडिया में सबमिट हो रहा है, इससे पहले इस वाले को एक्सक्लूड करके कितने सबमिट हो चुके हैं G20 के? जो ये सबमिट हो रहा है इंडिया में, इससे पहले कितने सबमिट हो चुके हैं G20 के? तो याद रखिएगा G20 के ये 18th सबमिट है, यानी इससे पहले 17th हो चुके हैं, 17 हो चुके हैं, 17 हो चुके हैं और ये 18th है। इसका अगला सबमिट यानी 19th कहां होगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अनाउंस हो चुका है, ये होगा ब्राजील में। तो जो अगला वाला होगा वो ब्राजील में होगा, ये याद रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। इतना क्लियर है? तो जो ये आप सुन रहे हैं कि इंडिया प्रेसिडेंट बनेगा, इंडिया एक्चुअली में कौन सी डेट से प्रेसिडेंट बनेगा, कब तक प्रेसिडेंट रहेगा? बताइए। इससे पहले वाला समिट याद रखिएगा बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में। इससे पहले वाला समिट बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में। तो जो इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा वो होगा 1 दिसंबर से लेके 2023, सो 13 नवंबर 2024। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब एक और सवाल, जो आखिरी सवाल है आज के लिए, पहले ये सवाल का जवाब दीजिए और एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो पहला समिट था G20 का वो कौन से देश में हुआ था और किस साल हुआ था? सो पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर ये सवाल आप लोगों के लिए एड ऑन। सो ये मैंने आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है। आप में से कुछ बच्चों को ये सारी इंफॉर्मेशन पता थी,
जिनको नहीं पता थी वो अभी याद कर लीजिएगा। G20 का लोगो भी पता होना चाहिए, जिसमें सात पेटल है, वो सात पेटल वाला फूल है जो कि शोकेस करता है सात पेटल सात कॉन्टिनेंट्स को। तो जो पहला समिट हुआ था वो कहां हुआ था, साजन जी कह रहे यूएस में। तो इनमें से जो मेंबर नहीं है वो याद रखिएगा, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से जो मेंबर नहीं है वो सिंगापुर है, और आपको कैसे याद रखने हैं, आपको कॉन्टिनेंट वाइज देश याद रखने, यानी अमेरिका से कौन मेंबर है, यूरोप से कौन मेंबर है, ओशियाना से कौन मेंबर है, एशिया से कौन मेंबर है, यही याद करने का इजी तरीका है। और ज्यादातर जो भी पॉपुलर नाम है जो बड़े बड़े देश है वो सारे हैं। तो आंसर इसका क्या है, सिंगापुर इसका मेंबर नहीं है, टर्की है, टर्की काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है। पहला समिट इसका हुआ था 2008 में यूएसए में। आगे मूव करते हैं, आई गेस आप लोगों को ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो अब से आगे वाले हर एक लेक्चर में हम दो चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम अपने टॉपिक में मूव करते हैं। सो अभी हम मणिपुर डिस्कस करेंगे, मणिपुर में मई में क्या क्या हुआ। तो एक बेसिक आइडिया आप लोगों को पता ही है, आप सबके सब प्लीज लेक्चर को लाइक कर दिया करिए, काफी ज्यादा एफर्ट्स जाते हैं। सो एफर्ट्स के बदले में हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए इस लेक्चर के लिए, सिर्फ आप लोगों का जो प्यार है, जो आप लाइक करके शेयर करके हम लोगों को देते हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस। सो मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में देखिए वायलेंस हुआ, सबको पता है बैकग्राउंड क्या है मणिपुर वायलेंस का। सो बैकग्राउंड ये है कि जब हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने बोला कि जो 10 साल पुराना रिकमेंडेशन है कि मीति इसको एसटी स्टेटस मिल जाना चाहिए, जो कि नॉन ट्राइबल कम्युनिटी थी है, तो उसके बाद जो क्लैशेस हुए वो क्लैशेस हम सब ने देखे किस तरीके से है वो, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं। ये सारे टॉपिक के बारे में आप सबको आइडियाज पे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लड़ाई है, वॉयलेंस है, अभी भी चल रहा है, इवन इंटरनेशनल फोरम पे भी ये इशू पहुंचे। सो सारा बैकग्राउंड आपको पता है, बैकग्राउंड रिजर्वेशन से लेके बैकग्राउंड ट्राइबल वर्सेज नॉन ट्राइबल की लड़ाई, बैकग्राउंड रिलीजन का भी एंगल है, बहुत सारे एंगल्स है। पर यहां से आप एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं बनेगा नॉर्मली। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिससे जो एग्जामिनर है वो थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है, जहां थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्वेश्चन एग्जामिनर अवॉइड करते हैं। पर जो सवाल आप लोगों का बन सकता है वो बन सकता है आर्टिकल 355। जब ये वॉयलेंस चल रहा था तो आर्टिकल 355 को प्रोमुलगेट किया गया। अब आप लोगों ने आर्टिकल 355 सुना है, आर्टिकल 355 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आर्टिकल 355 पे क्वेश्चन बन सकता है। अब ये आर्टिकल 355 क्या है, देखिए ये पार्ट नंबर, अगर आप पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर 18 पार्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है विथ एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस क्या है कि जब भी देश में कोई एमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तो उसको कैसे डील किया जाएगा, तो ये पार्ट नंबर भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नहीं अमित शाह नहीं यूज करता, मतलब पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री का फैसला होता है, होम मिनिस्टर की अकेले की इतनी पावर नहीं होती, याद रखिएगा, पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री या आप कह लीजिए प्रधानमंत्री। सो आप लोगों ने तीन आर्टिकल बहुत पॉपुलरली सुने, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ये क्या क्या है, ये आप लोगों ने सुने, आप लोग बताएंगे आर्टिकल 352 क्या है, 356 क्या है, आर्टिकल 360 क्या है।
क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, बेसिक सवाल है, इमरजेंसी का सवाल है, इमरजेंसी न्यूज़ में भी रही है। देखिए आर्टिकल 352 एक एक की बात करते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी किस वजह से? तो ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है जब कोई वॉर हो, जब कोई आर्म्ड रेबेलियन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ठीक है, तब ये अनाउंस किया जाता है। तो प्रेसिडेंट को ये डिक्लेयर करना होता है कि नेशनल इमरजेंसी लग रही है जब कोई ग्रेव सिचुएशन हो। 356 में प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में, यानी जब गवर्नमेंट काम ना कर पा रही हो, गवर्नमेंट के पास उतने एमएलए ना हो, तो 356 प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है स्टेट में। एंड 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि देश में पैसे की कमी आ गई है इसलिए सरकार ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है अपने रिसोर्सेज वगैरह यूज करने के लिए। इन इमरजेंसीज में आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ जाती है। जी हाँ एबी जी, थोड़ा तो लेट है, कोई नहीं, कवर कर लीजिएगा। सो ये तीन आर्टिकल पढ़े हैं आप लोगों को, यहाँ पे पढ़ने हैं दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 3। पहले 355 की बात करते हैं। दूसरा है आर्टिकल 365। देखिए अभी जो मणिपुर में प्रोमलगेट हुआ आर्टिकल 355 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूनियन गवर्नमेंट को जब ऐसा लगेगा कि स्टेट की गवर्नमेंट कोई इशू हैंडल नहीं कर सकती, तो यूनियन गवर्नमेंट वो पर्टिकुलर इशू अपने हाथ में ले लेगी, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल डिस्टरबेंस हो, और ताकि यूनियन गवर्नमेंट इस पूरी चीज में स्विफ्टली काम कर सके। तो आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 के तहत मणिपुर गवर्नमेंट को अभी एक तरीके से सस्पेंडेड करके वहां का जो डिफेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। क्लियर है ये? यानी ये सरकार हटाई नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग उस सरकार के काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिए, ठीक है, यस और नो? और ये क्यों किया है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि ये जो मामला है वो लोकल गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पा रही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है कि ये यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी। कब कब? जब कोई बाहर से हमला होगा या जब कोई अंदर से हमला होगा। सो सरकार से पावर थोड़े टाइम के लिए ले ली गई है, या एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट मदद कर रही है स्टेट गवर्नमेंट की, ताकि वहां पे चीजें नॉर्मल हो सके। अब आता है आर्टिकल 365, ये क्या कहता है? आर्टिकल 365 ये कहता है कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट पे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं, और अगर दोनों बनाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, मान लीजिए सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई कानून बनाया, और फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कहती है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। अब ये जो इशू है, ये सिटीजनशिप का इशू सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसको एग्जीक्यूट कराने का, या इसको कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया लेकिन लोकल मशीनरी वेस्ट बंगाल की मना कर रही है कि हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इस कंडीशन में आर्टिकल 365 प्रोमलगेट किया जा सकता है, और ये बोला जा सकता है कि आप ये अपने स्टेट में लागू कराइए, अदरवाइज आपकी सरकार को हम नहीं मानेंगे
और आपकी सरकार को हटा के यहां पे आर्टिकल 356 लगा देंगे। सुनियो जी, कंफ्यूजन है लेकिन अभी मैं इमरजेंसी प्रोविजंस और कुछ और रिलेटेड चीजें बता रहा हूं। शेड्यूल का तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद कर लीजिएगा, वो सबसे अच्छा तरीका है। पॉइंट मेरा क्लियर समझ में आया, यस और नो? आर्टिकल 365 समझ में आया? आर्टिकल 365 का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही है। और जब ऐसा होता है, और ये किस टॉपिक पे हो सकता है? उस टॉपिक पे जो कि सेंट्रल लिस्ट में हो, यूनियन लिस्ट में हो, तो यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन के कुछ पावर है, स्टेट की कुछ पावर है, तो जो हमारी लिस्ट का इशू अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम आर्टिकल 365 लगाएंगे। और आर्टिकल 365 में एक प्रोविजन है कि अगर स्टेट की मशीनरी फेल हो जाए तो आर्टिकल 356 लगा के वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, वहां की सरकार को हटा दिया जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। दोनों आर्टिकल्स में क्या फर्क होता है मैंने बताया। आर्टिकल 355 में सरकार को हटाया नहीं जाता, सरकार की मदद की जाती है बाय यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल 365 में वार्निंग दी जाती है कि आप यूनियन गवर्नमेंट का कहना नहीं मान रहे, उसके आगे आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। अब रही पुनियो जी आर्टिकल्स की बात। देखिए, जिन लोगों की आर्टिकल्स याद करने में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहला काम करें, पहले पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को याद करें। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं इस तरीके से पहले याद करिए। जैसे पहला पार्ट यूनियन है, दूसरा पार्ट सिटीजनशिप है, तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट है। ये पार्ट्स के याद साथ साथ याद करिए कि कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक का आर्टिकल पार्ट वन में आता है, कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक का पार्ट टू में, पार्ट थ्री में, पार्ट फोर में, पहले इतनी चीजें याद करिए। इससे क्या होगा, इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, अगर क्वेश्चन कोई आया भी और उसके ऑप्शन बड़े दूर दूर हुए तो आप आसानी से यहीं पर कर लोगे। यहां पे आपको डिटेल नहीं जाननी, सिर्फ आपको पार्ट्स जानना है। जब ये बार एक बार चीज क्लियर होगी फिर आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। जी यूनियन लिस्ट, यस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ लिस्ट दी हुई है जो आपके शेड्यूल्स में भी है। शेड्यूल 7, देखिए हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, तो दोनों कानून तो बना नहीं सकते ना एक ही चीज पे। मान लो हेल्थ का इशू है, हेल्थ से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, पार्ट आर्टिकल बाय आर्टिकल याद नहीं करना एबी जी, हर एक आर्टिकल याद करने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है तो एक बार पहले पार्ट बाय पार्ट उनका नाम पढ़ लीजिए। क्लियर है? जैसे ये जो लिस्ट है यूनियन लिस्ट में इंपॉर्टेंट चीजें होती है। यूनियन लिस्ट में डिफेंस हो गया, अब मान लीजिए कंट्री के डिफेंस का इशू है तो इस पे कानून सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। नेवल मिलिट्री एयर फोर्सेस हो गई, ये सेंटर के हाथ में पावर है ना जी, पार्ट शेड्यूल नहीं है। टोटल आर्टिकल्स नंबर कम ज्यादा होते रहते, ठीक है, आर्टिकल कम ज्यादा होते रहते हैं। टोटल आर्टिकल्स की अगर ऊपर सवाल आएगा तो ओरिजिनल कुछ और थे, कोई नया आर्टिकल इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है, कई अलग अलग जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ओरिजिनल में 395 आर्टिकल थे, अभी 450 के आसपास बोले जाते हैं। कई जगह 465 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे।
हम बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, बुक के अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को आप समझ लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं। जी एबीजी देख सकते हैं, इंतकाब सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को भी कोई डाउट होता है तो मैं इंतकाब सर से ही पूछता हूँ पॉलिटी से रिगार्डिंग। ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये है निमोनिक्स याद रखने का शेड्यूल का। मैं 2 सेकंड के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स मतलब बुक के चैप्टर होते हैं उसको आप पार्ट समझ लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वो शेड्यूल अलग अलग लिस्ट है। तो शेड्यूल में अलग अलग, जैसे आप बुक के एंड में अपेंडिक्स देखते हैं उस तरीके से ही ये शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं जो कि अलग अलग प्रोविजंस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, शेड्यूल लिस्टिंग एक तरीके से समझ लीजिए। जी हाँ, तो पार्ट्स में कंफ्यूजन मत करिए, चैप्टर जैसे होते हैं हमारी बुक के वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं। एवरीवन मेमोराइज बाय दिस वे एस नीनी जी। चलिए अगले टॉपिक में मूव करते हैं, कोई पूछ रहा था आर्टिकल 365 वंस अगेन रिपीट कर दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, फॉर एग्जांपल डिफेंस का कोई बिल लेके आती है, पार्लियामेंट में पास होता है बिल, ये कहता है कि हर एक स्टेट जो भी बॉर्डर स्टेट है वो अपनी बाउंड्री पे फेंसिंग करेगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पर फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहां बहुत ही ज्यादा ट्रेड होती है बांग्लादेश से। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ये सिक्योरिटी का इश्यू है, आपको करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल की सरकार मना करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, आर्टिकल 365 यूज करेगी, बोलेगी कि ये सेंटर की लिस्ट में पहला एंट्री है जिसका नाम है डिफेंस, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। हमने कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है, इसलिए हम आर्टिकल 365 लगा रहे हैं, यानी वेस्ट बंगाल में स्टेट मशीनरी फेल हो गई है। वेस्ट बंगाल में स्टेट मशीनरी फेल हो गई है, वेस्ट बंगाल की सरकार सेंटर की बात नहीं सुन रही, यानी वो देश से अलग चल रही है, इसलिए वहां की सरकार को हटाया जाए। और इसको हटाने के लिए जो आर्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा वो है आर्टिकल 356, जिसके तहत अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट मशीनरी काम नहीं कर रही या सरकार काम नहीं कर सकती तो वहां की सरकार को हटा सकते हैं। अब क्लियर हो गया जी, अगली चीज पे मूव करते हैं। आप लोग थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ा करिए पहले, पॉलिटी वगैरह की। सो एक फिल्म थी इशू नो जो कांस फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हुई है। अब ये कांस फिल्म फेस्टिवल में रिस्टोर्ड फिल्म क्लासिक की कैटेगरी में जाएगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक फ्रांस में कांस मनाया जाता है, वेनिस में वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन में यानी जर्मनी में बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कैनेडा में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यूएसए में सनडांस फिल्म फेस्टिवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म फेस्टिवल है। एशिया में एक और आता है टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो फिल्म फेस्टिवल में क्या होता है, दुनिया की अच्छी अलग अलग फिल्म्स को प्रीमियर किया जाता है और दुनिया भर के फिल्म देखने वाले चाहने वाले इंपॉर्टेंट लोग ये मूवीज देखते हैं। सो ये जो कांस वाला है ये 1946 में एग्जिस्टेंस में आया था और ये मणिपुर की फिल्म इशू नो को सिलेक्ट किया गया है फॉर रिस्टोर्ड फिल्म क्लासिक। अब ये देखिए, लोग भूल जाते हैं कि कांस एक्चुअली में फिल्म फेस्टिवल है, ना कि ड्रेस का कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ये एलईडी बल्ब वाला कुछ पहना है मोहतरमा ने, जैसे फॉइल पेपर होते हैं रैपिंग्स वगैरह। ठीक है, तो कांस वाला मैंने बताया 1946 में एग्जिस्टेंस में आया, आप ये सब देखिएगा। ये मोहतरमा एक पेड़ बनने की कोशिश कर रही है, फैशन के नाम पे कुछ भी चल रहा है।
चलिए ये तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तभी मैं आपको मोर दिखाता हूँ, पीकॉक। ये देखिए हमारी इंडिया की दीपिका पादुकोण, ये 2019 में मोर बनी थी। ठीक है, 2019 में आपको दीपिका पादुकोण जी मोर बने हुए दिख जाएंगे। सो इस तरीके से आपको याद रहेगा, कांस वही फेस्टिवल है जहां फिल्म दिखाई जाती है। अभी आप लोगों ने हरा मोर देखा है, दूसरे रंग का मोर दिखाता हूं मैं। ये ऐसे कपड़े हैं जो आपका सारा कूड़ा वगैरह सब साफ करते हुए चले जाएंगे। चलिए एक और मोर देखिए, ये पीला मोर देखिए। कोई बच्चा इसमें खो सकता है, बॉल खो सकती है, कहां पे, पूरा एरिया, पूरा कारपेट क्लीन। तो यहां से याद रखिएगा, ये कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, यहां अतरंगी लोग जाते हैं, फैशन के नाम पे कुछ भी पहना जाता है। सो द परफेक्ट प्लेस फॉर ओफी। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। सो कुछ पर्संस थे न्यूज में, कुछ एथलीट्स की बात कर लेते हैं। देखिए एथलीट्स के ऊपर भी एक आधा सवाल जरूर पूछा जाएगा। सो लिंथोई चेनम्बेम, आई गेस मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया है, गलत हो तो सॉरी है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। सो ये जूडो प्लेयर है, ये पहली इंडियन प्लेयर है जिन्होंने किसी भी स्टेज पे किसी भी एज ग्रुप में जूडो में मेडल जीता। ये इन्होंने जीता था 2022 में ब्राजील बिंका रेस को हरा के इन वर्ल्ड जूडो कैडेट। तो ये पहली ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर है जो जूडो में कोई इंडिविजुअल मेडल जीत चुके हैं, और इन्होंने दोबारा जीता है एक सिल्वर मेडल जो कि अभी चल रहा था कुछ टाइम पहले जॉर्जिया में, एक कप जिसका नाम है गोरी कैडेट यूरोपियन कप। ठीक है, उसके अलावा ये 2021 में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है जूडो चैंपियनशिप से रिलेटेड। तो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, इनका नाम पूछ के पूछ लिया जाएगा, ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। इनकी कैटेगरी क्या है, 63 केजी कैटेगरी। जी हाँ, मणिपुर से हैं। अगर ये मणिपुर का सेगमेंट मैं पढ़ा रहा हूं तो यानी ये मणिपुर से ही होंगे। ठीक है, ये जूडो की ये नाम याद रखिएगा, पहली इंडियन है, पहली इंडियन जूडो का जिन्होंने मेडल जीता है। नाम याद रहेगा, आपको नोट्स मैंने दे रखे हैं। जूडो का मतलब वो पर्सन जो प्रैक्टिस करता है या एक्सपर्ट होता है जूडो में। कुछ और स्पोर्ट्स पर्सन है, ये भी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है मणिपुर से आने वाले। तो ये लिस्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा, इसकी लिस्ट आपको दी हुई है। मैरी कॉम जी बॉक्सिंग के लिए आती हैं, मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग से आती हैं, जेरमी लाल लुंगा वेटलिफ्टिंग से आते हैं। उनकी कैटेगरीज भी मेंशनड है और उनका स्पोर्ट्स भी मेंशनड है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा काम मैंने सिंपल कर दिया। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे दे दिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर जेरेमी मिजोरम का है तो मैं करेक्ट कर लूंगा जी, हो सकता है ह्यूमन एरर हो गया हो। हाँ जी सॉरी, थैंक यू एबी जी करेक्ट करने के लिए। ये न्यूज में थे मीराबाई चानू, और ये दोनों अभी के जो रीसेंट इवेंट हुए हैं उनमें बहुत बुरा इन्होंने परफॉर्म किया था। काफी टाइम बाद ये वापस आ रहे थे अरेना में। तो और सॉरी, ये मिजोरम से है जेरेमी जी। ठीक है, ह्यूमन एरर समझ के माफ कर दीजिएगा, एक आधा इशू एक आधी गलती है, मेरे को भी करना अलाउड है। अब मिजोरम की बात करते हैं, दो चार न्यूज इंपॉर्टेंट मिजोरम से भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मली मैं डबल चेक करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ।
ये अभी तक के मेरे इतिहास में शायद पहली या दूसरी गलती होगी। तो थैंक यू फैक्ट चेक करने के लिए। मिजोरम की बात करते हैं, हमने मणिपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली। मणिपुर में पिछले पूरे मई के महीने में सिर्फ एक ही इशू था, वो लड़ाई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है। मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम में मधु व्यास जी को नया इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया। ये आगमुत कैडर से आते हैं, सो ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। आगमुत कैडर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। ये वो कैडर के लोग हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। ये आईएएस यूपीएससी वगैरह जो उनके आईएएस का एक कैडर है, जब आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं आईएएस की कंप्लीट करते हैं, आपको कैडर अलाउट होता है ट्रेनिंग में, उसके बाद आप कैडर के अकॉर्डिंग ही आपकी पोस्टिंग होती है। तो याद रखिएगा आगमुत कैडर, आगमुत का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज। दूसरा साइक्लोन मोका, साइक्लोन मोका के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पुराने वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसको अब दोबारा डिस्कस करना उतना रेलेवेंस नहीं है। ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन मोका का नाम यमन ने दिया है। ये सारे आपके नोट्स में दिया हुआ है, इसको ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, अभी आगे मूव करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने दोबारा डिस्कस करनी है वो है साइक्लोन और उसकी नेमिंग। देखिए साइक्लोन पहले शब्द का मतलब समझते हैं। साइक्लोन एक ग्रीक वर्ड से आया है, साइक्लोज मतलब होता है कॉइलिंग। तो कॉइलिंग ऑफ द स्नेक, ये जिस तरीके से सांप कुंडली मारता है ना, उसी तरीके से जैसे हवाओं का डिस्टरबेंस होता है, इसलिए इसका टर्म यूज किया गया साइक्लोन। साइक्लोन वो एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस है जो लो प्रेशर एरिया के अराउंड होता है। थोड़ा सा आप बेसिक चीज समझ लीजिएगा, देखिए थोड़ा सा प्रेशर समझिए, वो एरिया जहां बहुत लेस एयर होती है, वो एरिया जहां लेस एयर होती है वो लो प्रेशर एरिया होता है। लेस एयर पार्टिकल्स हैं। अब कोई उसके आसपास ऐसी जगह जरूर होगी जहां हाई प्रेशर एरिया होगा, सो हवा की टेंडेंसी है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में आती है, और जब वो फोर्स से आती है बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया, तो कॉइलिंग इफेक्ट में आती है और यहां से प्रोड्यूस होता है साइक्लोन। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए पहले क्या होता था, अभी भी कुछ टाइम पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मैं छोटा था, किस्सा कहानी समझिएगा, गर्मी के सीजन में मान लीजिए दिन में बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल एयर नहीं चल रही है, सो जो मेरी दादी मेरे दादा वो ये कहते थे कि आज शाम को पक्का तूफान आएगा। मैं पूछता था आपको कैसे पता, वो कहते थे देख लेना आएगा। तो जब बिल्कुल स्टिल कंडीशन होती है, और ऐसा होता था कि शाम को रात तक तूफान आ जाता था, बहुत तेज हवाएं चलती थी, तो हमेशा याद रखिएगा ये साइंटिफिक चीजें हैं, लो प्रेशर वाले एरिया में हाई प्रेशर वाले एरिया से हवाएं बहुत तेजी से आती हैं, रास्ते में पानी मिल जाए तो फिर सुनामी वगैरह और बारिश वगैरह और साइक्लोन वगैरह बनते हैं। इतना क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। सो मेरे से ज्यादा साइंस उस टाइम मेरे दादा लोगों ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने पढ़ी हुई थी, बेसिक चीजें। सो साइक्लोन लो प्रेशर एरिया वाले जो होते हैं उसको साइक्लोन कहते हैं, जो हाई प्रेशर वाला वो एंटी साइक्लोन बोला जाता है। इनकी नेमिंग के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, तो इनकी नेमिंग करते हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ये नाम सजेस्ट करके WMO को भेजते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पे नाम फाइनल होते हैं। नाम कैसे किए जाते हैं,
दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर बना रखे हैं या ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर बना रखे हैं। इंडिया में भी एक है जिसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। इन सेंटर का काम ये होता है कि सारी चीज़ों को देखते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और इंफॉर्मेशन को अपने आसपास देशों में स्प्रेड करते हैं कि साइक्लोन आने वाला है या कोई और प्रॉब्लम आने वाली है। तो दुनिया में 6 रीजनल साइक्लोन सेंटर है, जिसमें से एक इंडिया में भी आता है। यही नेमिंग करता है, मेनली यही नेम प्रोवाइड कराता है। अब आपको थोड़ा सा मैं और समझा देता हूं, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो। जैसे इंडिया के आसपास के जो देश हैं, वो ये 13 देश हैं जो इसके मेंबर हैं, और ये 13 देश अपने आप में 13-13 नाम देते हैं। ये 13 कंट्रीज ने 13-13 नेम दिए हैं, तो टोटल 169 नेम हो गए। अभी आप लोगों ने देखा होगा मोका के बाद बीपर जॉय आया गुजरात में। अगला जो साइक्लोन आएगा उसका नाम पहले ही आपको पता है, तेज होगा। उसका अगला जो भी ठीक ठाक बड़े लेवल का आएगा उसका नाम हमून होगा। मालदीव्स वालों ने उसके बाद नाम दे रखा है मिदिली। जब ये लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी तो नई लिस्ट फिर से आ जाएगी। क्लियर है? आप लोगों ने बीपर चॉय देखा होगा जो गुजरात में आया है। आप लोगों को, कितने लोगों को पता था कि ये लिस्ट पहले ही बनी होती है? क्लियर है? ये बताइए यस और नो। अगर क्लियर है तो लाइक कर दीजिए। दुनिया भर के अलग अलग रीजनल जो सेंटर है वो अपने लोकल एरिया के हिसाब से कुछ नाम सेलेक्ट करके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं, और उसी में से एक एक के बाद ये नाम चुना जाता है। सो अगले वाले साइक्लोन, जी मैंने एक बेसिक चीज बताई थी, मैंने ये नाम की लिस्ट नहीं दी थी। अवेयर थे तो अच्छी बात है, नहीं थे तो अब आप अवेयर हो गए होंगे। उसके बाद मैंने बताया था चकमा ऑटोनॉमस काउंसिल के बारे में, और जो अभी थोड़ी देर पहले हम शेड्यूल्स की बात कर रहे थे, वही शेड्यूल वाला टॉपिक है। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पुराने लेक्चर में। देखिए पुनियो जी, एरिया के हिसाब से उसके नाम डिसाइडेड है। ये एरिया ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई आए तो उसका नाम होगा, नहीं, हमारे लोकल एरिया में ये नाम पहले ही डिसाइडेड है। इसमें से कोई नाम रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं, अगर कोई देश को लगता है कि कोई नाम ऑफेंसिव है तो वो नाम हटाया भी जा सकता है, कोई नाम रिपीटेटिव लगता है तो वो भी हटाया जा सकता है। वो उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना आइडिया पता होना चाहिए कि बीपर जॉय किसने नाम दिया, मोका किसने नाम दिया, अगले वाले का नाम तेज होगा वो किसने दिया, इंडिया ने। ऑटोनोमस काउंसिल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये 6 शेड्यूल में बनाए जाते हैं। शेड्यूल की हम बात कर रहे थे, देखिए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल डील करता है ट्राइबल एरिया से। अब शेड्यूल को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। सो देखिए 6th शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन इन चारों एरिया में कैसे होगा, कौन कौन से 4 एरिया हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ की जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए शेड्यूल 6 में प्रोविजन दिया गया है कि आप बना सकते हैं कुछ ऑटोनोमस काउंसिल। मैंने देखिए, आप ये लिस्ट में देखिए ना, म्यांमार का भी नाम है, इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कहां से पैदा हुआ है, नहीं, ठीक है, कहां से साइक्लोन राइज कर रहा है वहां से फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट बीइंग,
वो इस पर्टिकुलर एरिया यानी जो इंडिया का साउथ पैसिफिक रीजन से है, तो ये सारे नाम वहां पे एप्लीकेबल होंगे। इसका है बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर बीपर चॉय इंडिया पे हिट कर रहा है तो उसका नाम इंडिया ने दिया होगा, नहीं। पर जो ये आसपास का साउथ पैसिफिक वाला रीजन है, जो सॉरी साउथ इंडियन एशियो इंडियन ओशियन वाला रीजन है, यहाँ पे जो भी होंगे ये 13 लोग मिलके डिसाइड करते हैं। तो छठे शेड्यूल और पांचवें शेड्यूल में क्या फर्क है? आप लोग पहले बताएंगे पांचवा शेड्यूल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। छठा शेड्यूल में बता चुका हूं, वो ट्राइबल एरिया जो चार स्टेट्स में लाई करते, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आर्टिकल 244 कहता है कि इनके लिए स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए, और वो स्पेशल प्रोविजन कहां लिखे हैं? सिक्स शेड्यूल में लिखे हैं। इसके अलावा जितने भी शेड्यूल एरियाज होते हैं वो डील किए जाते हैं बाय फिफ्थ शेड्यूल, यानी इन स्टेट्स को छोड़ के असम वाला इलाका हो गया, बाकी सारे इलाके हो गए, जो इन सारे स्टेट्स को छोड़ के असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को छोड़ के बाकी सारी जगह जहां पे भी शेड्यूल पॉपुलेशन ठीक ठाक है, जहां पे भी शेड्यूल एरियाज है, उनका मैनेजमेंट कैसे चलेगा ये सब डिसाइड किया गया है फिफ्थ शेड्यूल में। इतना क्लियर है? यस और नो बताएं। वो नॉर्मली 10 स्टेट चुने गए, उसके लिए हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। स्पेशल प्रोविजन वाई? बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बीच में, नहीं, आईएलपी अलग है, आईएलपी का एक्ट अलग है, मैं आईएलपी का एक्ट बता चुका हूं। आईएलपी के ऊपर आई गेस वीडियो अपलोडेड है, नहीं है तो मैं अपलोड करवा दूंगा। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये बहस चल रही थी कि जो ट्राइबल कल्चर है उन सारी चीजों को बचाना है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लेके आना है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन से रिलेटेड अलग अलग डिबेट सामने निकल के। सो तब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि अभी जो हमारे ट्राइबल भाई बहन है, जो ट्राइबल लोग हैं या जो शेड्यूल एरिया वाले लोग हैं, जो अभी उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनके कल्चर ट्रेडिशन के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए। तो वो स्पेशल राइट्स इसीलिए दिए गए हैं, स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, उत्तराखंड के भी कुछ एरिया के लिए जाना अलाउड नहीं है तो उत्तराखंड का स्पेशल प्रोविजन हो गया, हिमाचल के कुछ एरिया में भी जाना अलाउड नहीं है। पर नॉर्मली ये जो एरियाज हैं ये रिजर्व्ड या इनके कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं ताकि वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही रूल किया जा सके। आईएलपी 1972 का कौन सा एक्ट आ गया जी? एक बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट करके आया था 1873 आई गेस, उसके तहत आईएलपी पहली बार एग्जिस्टेंस में आया था। जी पुनियो जी थोड़ा क्वेश्चन को इलाबोरेट करिए। देखिए आप हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए प्रॉपर लेजिटिमेट प्रोटेक्शंस हैं, उनके कल्चर ट्रेडिशन बचाने के लिए, रिलीजन अपनी मर्जी का प्रोफेस कोई करना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग। सो बेसिकली ये कहता है कि ट्राइबल लोगों को उनके अकॉर्डिंग, उनके कल्चर और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए, इसीलिए ये स्पेशल प्रोविजन है। अब किन अगले टॉपिक में मूव करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा।
जो रिस्ट्रिक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ वो रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली में ये मेनली जो बने हुए ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। रिस्ट्रिक्शन के कानून अलग होते हैं, यानी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए जो बॉडीज होती है वो अलग अलग बॉडीज होती है, अलग सिस्टम होता है। अब एक घंटे के लेक्चर में वो सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ फोकस रिस्ट्रिक्शन पे नहीं है, फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो उन लोकल लोगों के लिए, उन ट्राइबल लोगों के लिए कानून कैसे बनेगा। अब ये जो स्लाइड है ये उन लोगों के लिए जिनको छिपकलियों से डर लगता है, गीको से डर लगता है। तो एक नई गीको मिली है जिसको मिजोरम यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी ने ढूंढा है, इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास। इसका नाम है गीको मिजोरमिनिस, मिजोरम इंसिस, गीको मिजोरम इंसिस नाम है इसका। 20 सेंटीमीटर लेंथ है और ये एर्बोरियल है। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ जा सकती है और नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे? यहां दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स आपको पता होना चाहिए, एर्बोरियल और दूसरा होता है नॉकटर्नल। एर्बोरियल वो होते हैं जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं घर बना के। नॉकटर्नल कोई पता है आप में से क्या होता है नॉकटर्नल? एक बार आप लोग लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप में से कोई है जो रात भर जागता है? रात का राजा जी, शहंशाह, अंधेरी रातों में वो वाला गाना सुना होगा आप लोगों ने, जिसको हम हमारे घरों में उल्लू कहते हैं कि रात को जाग रहे हो, उल्लू हो गए हो क्या, उसी को नॉकटर्नल बोला जाता है। यानी वो स्पीशीज जो रात को एक्टिव रहते हैं, वो दिन में सोएंगे ऑब्वियस। सो आप लोगों को एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अगर नॉकटर्नल उसको कहते हैं जो रात को एक्टिव रहते हैं, तो जो दिन में एक्टिव रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? नांग जी, फिर आप तो रात की रानी हुई। सो जो दिन में एक्टिव रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? यस, डायर्नल, यानी वो लोग जो दिन के टाइम पीरियड में एक्टिव रहते हैं। हाइबरनेशन आप लोगों ने सुना है? हाइबरनेशन वो लोग होते हैं, वो जानवर होते हैं जो सर्दियों में डोरमेंसी ले लेते हैं, यानी सर्दियों में ज्यादा काम नहीं करते, तो आप लोगों ने हाइबरनेशन टर्म सुना होगा। ऐसे ही कुछ और टर्म्स आते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। जी, तो अगर एबीजी बियर हाइबरनेट करता है तो हाइबरनेट का अपोजिट क्या कुछ होता है? अगर होता है तो आप लोग बताइए, नहीं पता तो होमवर्क से पता कर लीजिएगा। अब नागालैंड की बात करते, नहीं हाइबरनेशन कुंभकर्ण नहीं, वो जो पर्टिकुलरली सर्दियों में कम काम करते वो सो भी सकते हैं, डोरमेंसी के स्टेट में जा सकते हैं, घर के अंदर घुस के रह सकते हैं। तो हाइबरनेशन का कोई उल्टा भी होता होगा, अपोजिट भी होता होगा। वो लोग जो गर्मियों में ऐसा करते हैं वो क्या टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो आप लोग मुझे बताएंगे। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पुराने लेक्चर में, इसको देख लीजिएगा। पावर कमिटी फॉर पुलिस रिफॉर्म ये भी डिस्कस कर चुका हूं। बहुत सही, गूगल किया है अभी अभी जी। एक आखिरी टॉपिक आज डिस्कस करते हैं और उसके बाद दो चार ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा।
जी हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा मई फिनिश हो जाएगा, फिर हम जून करेंगे। एक आधी कोई छोटी स्टोरी देख लेते हैं। हाँ, एक ग्रुप है जिसका मेंशन हुआ था मन की बात में, जिसका नाम है लिदी क्रोयू। ये एक वुमन लेड ग्रुप है जिसका मेंशन मोदी जी ने अपने मन की बात में किया था। ये 2012 में फॉर्म हुआ था और ये अंगमी नागा कल्चर को प्रमोट करता है। प्रोनंसिएशन गलत हो तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। पसांग जी फिर ले लीजिए सब्जी मेरे हिस्से की। सब्जी वालों से बड़ा परेशान हूं मैं। तो ये ग्रुप है जो बैम्बो बास्केट वीविंग हो गई, हेड गियर मेकिंग हो गई, विनोइंग ऑफ राइस हो गया, इन सब को प्रमोट करता है, जो लोकल कल्चर की चीजें। ये ग्रुप और बाकी सारे लोगों को वर्कशॉप देता है, ट्रेनिंग देता है, डॉक्यूमेंटेशन में मदद करता है, लोकल फोक म्यूजिक को, लोकल फोक सॉन्ग को, ड्रामा को, इन सबको प्रमोट करता है ताकि बाकी सारे लोगों को भी अवेयर कराया जा सके, बाकी सारे लोगों को मोटिवेट कराया जा सके, उनको भी कल्चर के बारे में सेंसिटिवाइज किया जा सके। ये ऑल वुमन लेड ग्रुप है जिसका मेंशन किया था मोदी जी ने अपने मन की बात के 95th एपिसोड में। एक चीज याद रखिएगा, मोदी जी के 100 मन की बात पूरे हो चुके हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 100 मंथ की बात कौन से दिन हुआ। एक सवाल ये भी बन सकता है कि 100th मंथ मन की बात किस दिन टेलीकास्ट हुआ। एक सवाल पार्लियामेंट के ऊपर भी हो सकता है कि नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किस दिन हुआ। तो ये सब नेशनल लेवल की न्यूज है जो इंपॉर्टेंट है, ये कुछ डेट्स आपको पता होनी चाहिए। सो इसको यहीं रैप अप करते हैं। ये ग्रुप का नाम याद रख लीजिएगा, डेट डेट परफेक्ट। नई पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट कौन है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पुरानी पार्लियामेंट कब बनी थी, उसका आर्किटेक्ट कौन था। आपके सामने पेपर होता है, आपको पता होता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप तैयारी करके नहीं जाते। फिर सवाल आता है, फिर कहते हैं कि सर पेपर टफ था। पेपर प्रिडिक्ट करना सीखिए, तभी काम बनेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। इसको अभी खत्म करते हैं, आपकी ज्योग्राफी वाली मैम की क्लास है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और सब्जी वालों को तो पर्सनली निपटना पड़ेगा, हर क्लास के बीच में सब्जी वाले आते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन। अगले लेक्चर में मिलते हैं सैटरडे को इस करंट अफेयर सीरीज के। अगली वीडियो के शुरुआत में मैं डिस्कस करूंगा पार्लियामेंट के ऊपर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। अगले लेक्चर में मिलते हैं।